हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोर्ड परीक्षा में 4 या 5 नंबर के पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु। उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को बताया गया है। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में यही इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा आता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, ये पहला एक डिफिनीशन है, सिंपल है स्टूडेंट, कि इसमें जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, एल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन, ये ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या फिर आप एक और डिफिनीशन कह सकते हैं बच्चों कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपके सामने दोनों परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं या फिर दोनों भी लिख सकते हैं। समझ में आया, जब आप इसको स्टूडेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पहले हम एग्जांपल आपको बता दें तब उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल कई सारा है, जैसे है बच्चों ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, तो यहां पर आप लोग ग्लूकोज कर लीजिएगा, ग्लूकोज हो गया। उसके बाद में सुक्रोज हो गया, जो चीनी होती है शर्करा, सुक्रोज। ठीक है, और उसके बाद में जैसे सेलुलोज हो गया, तो ये सब बच्चों कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो, और मैं तो बताऊंगा ही। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होते हैं, यानी कि जब आप ग्लूकोज की बच्चों संरचना देखेंगे, ठीक है, तो आपको इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा और एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो उसी लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये जल अपघटित होकर क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड के अणु देंगे। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, तो हम वर्गीकरण में मोनोसैकेराइड को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूं। ठीक है, अगर ना आए बच्चों तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे अपना वर्गीकरण कि कार्बोहाइड्रेट को बांटा कितने भागों में गया है। तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मैं आपको रिएक्शन इसमें बताऊंगा, जैसे रिएक्शन अभी डाइसैकेराइड में आएगा, ट्राइसैकेराइड में, ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट निम्न प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इसे समझिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्टूडेंट, वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड, यानी कि ये मेनली मोनोसैकेराइड जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड और एक ओलिगोसैकेराइड, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड ये पहला जो है प्रकार है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो मोनोसैकेराइड बच्चों ये सरल शक्कर होती हैं, यानी कि जो मोनोसैकेराइड होता है ये सरल शक्कर होती हैं, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। बच्चों मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता, ये सरल शर्कराएं होती हैं। ठीक है, इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते, इनका जल अपघटन इसलिए नहीं किया जा सकता बच्चों क्योंकि ये ही सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें सिर्फ 6 कार्बन पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए, आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरा एग्जाम्पल हमें लेना है बच्चों फ्रक्टोज। ठीक है, दोनों को हम ले सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो दोनों में अब देखिए कितने कार्बन है, कितने क्या हैं, इसको समझिए। तो ग्लूकोज को जो फार्मूला होता है बच्चों, होता है C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज का फार्मूला होता है C6H12O6। दोनों का फार्मूला एक ही होता है। देखिए यहां पर कहा गया सीधा सीधा, इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, 6 से अधिक इसमें कार्बन नहीं है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसीलिए इनका जो है जल अपघटन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड वे शक्कर होती है जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, इसके अणु में कार्बन परमाणु जो होते हैं 6 से अधिक नहीं होते हैं। अगर पूछे कोई कि मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल बताइए, तो आप लोग कह सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। समझ में आया, दो एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने दूसरे प्रकार की ओर, जो कि है ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है ओलिगोसैकेराइड। तो चलिए देखते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होता है।
तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में। जो मोनोसैकेराइड था उसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता था, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। ओलिगोसैकेराइड वे जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु यानी कि 2 से 10 अणु देती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। अब बच्चों ओलिगोसैकेराइड के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ये शर्कराएं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड, ठीक है, 2 प्रकार इसके होते हैं। तो समझ में आया ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु 2 से 10 अणु देती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। अब जैसे ये शर्कराएं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल अगर आप लिखें तो भी इसी का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो आप लोग यही स्टूडेंट डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड इसका होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, क्या होगा डाइसैकेराइड। तो बच्चों अब बारी आती है हमें डाइसैकेराइड की, क्योंकि जो ओलिगोसैकेराइड होता है बच्चों उसमें डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड आते हैं। तो जो ओलिगोसैकेराइड यानी कि डाइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल होगा वही ओलिगोसैकेराइड का भी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों डाइसैकेराइड होता क्या है, ठीक है। तो डाइसैकेराइड पहले देखेंगे होता क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो डाइसैकेराइड वे शक्कर है, शक्कर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो स्वाद में जैसे मीठे होते हैं, तो डाइसैकेराइड मीठे होंगे, ठीक है। ये वे शक्कर हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, डाइसैकेराइड या डाइक मतलब 2, सिंपल है। तो ये मोनोसैकेराइड के 2 अणु देंगी तो उन्हें हम कहेंगे डाइसैकेराइड, ठीक है। तो ये ओलिगोसैकेराइड का पहला प्रकार है डाइसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं बच्चों, जो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो मैंने अभी आपको बताया था चीनी, और चीनी का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों, उसको भी लिख देते हूं मैं, C12H22O11 चीनी। तो ये है बच्चों क्या डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज। और दूसरा आपका होता है बच्चों माल्टोस, तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं माल्टोस, ठीक है। और इसका भी फार्मूला वही होता है जो चीनी का होता है, C12H22O11, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसी तरह आप लोग डाइसैकेराइड को बता सकते हैं कि डाइसैकेराइड वे शर्करा होती हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देती हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि मोनो कैसे देती हैं। जैसे हम ले लेते हैं बच्चों इन दोनों में से एक को, सुक्रोज को मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। तो देखिए सुक्रोज को हम ले लेते हैं C12H22O11, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी अब क्रिया करा देंगे, किससे करा देंगे, H2O से। H2O क्या है बच्चों, जल है, क्योंकि जल अपघटन हमें कराना है, तो H2O से इसकी क्रिया हम करा देंगे। अब जब हमने H2O से क्रिया कराई तो इसके ऊपर स्टूडेंट आपको लिखना होगा तनु H2SO4, तनु H2SO4, ठीक है। और नीचे आप लिख सकते हैं गर्म करने पर। तो देखिए बच्चों जब डाइसैकेराइड का जल अपघटन किया जाएगा तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होंगे, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, और वही यहां पर होगा भी। तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, हमने लिया जल अपघटन उसका किया। अब देखिए 2 अणु प्राप्त हुए डाइसैकेराइड के, C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस यही मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, देखिए जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाएगा तो ये ग्लूकोज बनेगा और ये फ्रक्टोज बनेगा। इसका नाम भी लिख देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, समझ में आ रहा है। डाइसैकेराइड का मतलब जब जब जल अपघटित होकर 2 अणु दे तो उन्हें हम कहेंगे डाइसैकेराइड। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों ट्राइसैकेराइड, जो कि इसका दूसरा जो है प्रकार है, किसका, ओलिगोसैकेराइड का। मैंने आपको यहां पर बताया था ये देखिए ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड भी सिंपल होगा स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था 2 अणु देंगे अगर डाइसैकेराइड, तो ट्राइसैकेराइड कितने अणु देंगे बताइए, 3 अणु। ये वे शक्कर होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु देती हैं, ठीक है। अब जैसे एक शर्करा होती है बच्चों रैफिनोस, रैफिनोस, और इसका फार्मूला होता है C18H22 और O16, ठीक है, समझ में आया। ये बच्चों अभी देखिएगा ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 3 अणु देंगी, कैसे देंगी इसको समझिए। तो पहले इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं C18H22 यहां पर रहेगा, ठीक है, 32, तो यहां पर 3 कर दीजिए, यह 32 और O16 रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें इसका जल अपघटन कराना है तो H2O से हम कर देंगे इसको इसकी अभिक्रिया, ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 2H2O, 2 अणु हमें लेना है,
जल अपघटन ही कराना है, तो हम दो अणु लेकर जल अपघटन कराएंगे और हमारा बन जाएगा 3C6H12O6। और ये है एक मोनोसैकेराइड, C6H12O6 एक मोनोसैकेराइड है। तो देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर है कि ट्राइसैकेराइड में क्या होगा, जैसे हमने रेफिनोज को लिया, ये ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो जब ट्राइसैकेराइड का जल अपघटन कराया जाएगा तो मोनोसैकेराइड के तीन मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ पर तीन लिखा गया है, ठीक है, तो तीन प्राप्त हुआ, तो यही आपका सही आंसर है, ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट प्रकार जो कि है बच्चों पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का लास्ट है पॉलीसैकेराइड, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका लास्ट जो कि है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड होता क्या है सबसे पहले समझिए, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इससे पहले जो मैंने आपको बताया मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड, ये स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है, जैसे आपने चीनी को खाया होगा, चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, तो ये स्वाद में मीठे नहीं होते जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, अतः इन्हें शक्कर नहीं कहते हैं, हम इसे शक्कर नहीं कहते हैं, ये जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु देते हैं, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, सैकेराइड के अणु देंगे, तो जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु दें या कई अणु दें उन्हें हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। इनका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5N, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, और उसके बाद में इनका अणुभार बहुत अधिक होता है। स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है, और सेलुलोज, सेलुलोज तो दोनों इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें जो है स्टूडेंट ये मीठे नहीं होते स्वाद में, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपको एक रिएक्शन मैं बताऊंगा, वो रिएक्शन क्या है पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कई अणु देते हैं तो कैसे देते हैं, जैसे हम यहां पर लेते हैं C6H10O5N, ठीक है, अभी मैंने सूत्र में भी आपको बताया था C6H10O5N, और प्लस हम कर देंगे स्टूडेंट इसका NH2O, यानी कि जल अपघटित हम इसका करा देंगे। तो देखिए स्टार्च का जब जल अपघटन कराया गया, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो बनेगा क्या, तो बनेगा बच्चों C6H12O6, यानी कि N का मतलब कई, तो ये है बच्चों स्टार्च, तो लिख देते हैं स्टार्च C6H10O5 जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। जब पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराया गया तो मोनोसैकेराइड के कई अणु प्राप्त हुए, यन का मतलब कई अणु यहां पर प्राप्त हुए, तो ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एक एक का एग्जाम्पल भी आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आया है तो आप लोग कमेंट में कर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो मैं न्यू वीडियोस भेजूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।